नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि बिहार स्टेट की जो परीक्षा है, जो मार्च में परीक्षा होने वाली थी, बिहार स्टेट की परीक्षा होने वाली थी टीजीटी पीजीटी के लिए, पेपर वन और पेपर टू बिहार स्टेट होने वाला था। अब मुख्य परीक्षा आपका बिहार स्टेट का, अब मुख्य परीक्षा आपका पीजीटी का भी होगा, टीजीटी का भी होगा, कक्षा 6 से 8 का भी होगा और 1 से 5 का भी होगा, प्राइमरी अपर प्राइमरी टीजीटी और पीजीटी की जो मुख्य परीक्षा है 50 से 70 हजार पदों पर, यह आपका मार्च में होने वाला है। तो अब यह सूचना है, क्या बिहार स्टेट की परीक्षा अब नहीं होगी? परीक्षा क्या मुख्य परीक्षा होने के बाद होगी? मतलब क्या नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा? वही पुराने अभ्यर्थी बिहार स्टेट में रहेंगे? तो देखिए, इसमें 3 बातें हो सकती हैं। या तो वही पुराने अभ्यर्थी बिहार स्टेट जो क्वालिफाई किए हैं वही लोग आवेदन दे पाएंगे, क्योंकि 15 फरवरी के लगभग नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, मार्च में परीक्षा होने वाला है, तो इतनी जल्दी तो सब कुछ हो नहीं सकता है। तो या तो वही अभ्यर्थी आवेदन दे पाएंगे जो बिहार स्टेट क्वालिफाई किए हों पहले से, ठीक है। अब यह जो बिहार स्टेट के लिए जो लोग आवेदन दिए हैं, अब वह उन लोगों की परीक्षा मार्च में या अप्रैल में या जब भी होगी, अब उनको नई TRE 3 के बाद TRE 4 में उनको शायद मौका मिले, यह हो सकता है। या फिर यह लोग जो भी लोग आवेदन दिए हैं बिहार स्टेट का आवेदन दिए हैं, अब वह लोग तो अपनी मांग रखेंगे, तो या तो यह हो सकता है कि अपेयरिंग वालों को मौका मिल जाए कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बिहार स्टेट के जो लोग फार्म भरे हैं वह भी लोग परीक्षा दे पाएंगे, और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बिहार स्टेट की परीक्षा उनको पास करनी होगी जल्दी जल्दी। जैसे ही बिहार स्टेट की परीक्षा होगी, अगर वह पास है तब वो एलिजिबल माने जाएंगे, और नहीं पास है तब वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। लेकिन तब तक तो भर्ती प्रक्रिया भी संपन्न हो जाएगी भाई, और सरकार इसमें फंसना नहीं चाहती है, सरकार इसमें फंसेगी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट फंसेगी नहीं। तो मुझे नहीं लगता है इसमें अपेयरिंग वाला सिस्टम लागू रहेगा। और लेकिन या फिर यह हो सकता है कि परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि इसके पहले भी हुआ है भाई, लोग बिहार स्टेट का फॉर्म भरे और अगले 4 से 5 दिन में एडमिट कार्ड आ गया, अगले 5 से 10 दिन में परीक्षा होकर संपन्न हो गया। तो तीनों बातें हो सकती हैं भाई, बिहार है, यहाँ यह भी हो सकता है, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है, यह भी हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर उसका एडमिट कार्ड आ जाए बिहार स्टेट का, और अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा बिहार स्टेट की परीक्षा हो जाए, सब कंप्यूटर पर ही होना है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, यह भी हो सकता है। अगर होगा तो मुझे लग रहा है 2 ही बातें होंगी, अपेयरिंग वाला सिस्टम नहीं लागू रहेगा, या फिर वंचित रह जाएंगे बिहार स्टेट के जो नए अभ्यर्थी हैं, जो लोग क्या बोलते हैं आवेदन दिए हैं नया, या तो वह लोग वंचित रह जाएंगे, या तो फिर बिहार स्टेट की परीक्षा बहुत जल्द से जल्द यह संपन्न करा ली जाएगी और मुख्य परीक्षा आपका मार्च में आपका हो जाएगा, ठीक है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुल मिलाकर यही हो सकता है बिहार स्टेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग यह बोल रहे हैं कि अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा, तो दरअसल अपेयरिंग वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अपेयरिंग वाला सिस्टम देखिए CTET और UPTET में हो जाता है, इसमें अपेयरिंग वाला सिस्टम नहीं रहने वाला है। या तो परीक्षा बिहार स्टेट की परीक्षा शीघ्र अतिशीघ्र करा ली जाएगी, ठीक है, और या तो फिर हो सकता है कि फिर मौका ना मिले, और फिर TRE 4 जब आवे तो शायद तब उनको मौका मिले, ठीक है। इसमें या तो अब इसमें तो समय बहुत कम ही रह गया है, इसमें तो बस 1 महीना का समय रह गया है, तो इतना हो तो हो नहीं सकता है। या फिर हो सकता है कि बिहार स्टेट की परीक्षा शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, ठीक है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। और BPSC PGT के लिए, BPSC TGT के लिए कक्षा 6 से 8 जूनियर हिस्ट्री के लिए तैयारी लगातार चल रही है, आप लोग चैनल को फॉलो करिए भाई, चैनल पर बने रहिए, ठीक है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का फेसबुक ग्रुप भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन करें, ठीक है। मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।